हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर उज्जैन रोड पर बाणगंगा ब्रिज के आगे संत श्री मौनी बाबा आश्रम पर शुक्रवार की रात्रि को एक अलग ही नजारा दिखाई दिया। संत दर्शन के लिए भक्तों ने रात्रि को 4 घंटे तक इंतजार किया और आशीर्वाद लेने के बाद में संतुष्ट भी हुए। बुंदेलखंड के राजा कहे जाने वाले बागेश्वर हनुमान धाम के अधिष्ठाता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शुक्रवार रात्रि को इंदौर उज्जैन रोड पर स्थित संत श्री मौनी बाबा आश्रम पर पहुंचे। यहां पर हजारों की संख्या में भक्तजन रात्रि 8 बजे से ही संत श्री का आशीर्वाद लेने के लिए और उनके मुखारविंद से प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित हो गए थे। हालांकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि यहां पर रात्रि 10 बजे पहुंचने वाले थे, किंतु मार्ग पर भक्तों के स्नेह के कारण रात्रि 12:15 पर पहुंचे। इस दौरान भी यहां पर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। संत श्री के आश्रम में प्रवेश करते ही भक्तों ने बागेश्वर धाम के जयकारे लगाना शुरू कर दिए। इस दौरान विधायक रमेश मैंदौला स्वयं व्यवस्था बनाते हुए नजर आए और उन्होंने आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मौनी बाबा आश्रम में स्थित हनुमान जी महाराज एवं संत श्री मौनी बाबा के दर्शन करवाए। इसके पूर्व विधायक रमेश मैंदौला, भाजपा नेता गोलू शुक्ला एवं युवा भाजपा नेता विजय बिज्जू परमार ने संत श्री की अगवानी की। दर्शन के पश्चात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सीधे अस्थाई पांडाल में पहुंचे और यहां पर हजारों की संख्या में उपस्थित भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने प्रवचन में कहा कि आप लोगों को मैं जीवन का सबसे बड़ा सूत्र बताने जा रहा हूँ, वह है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो इस सूत्र को मान लेगा वह विपत्ति के समय भी खुश रहेगा। में नहीं लेते हैं पर 1 बजे रात तक इंतजार किया तो बांटना चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस सूत्र को आप जीवन में उतार लेना, आप कभी भी विपत्ति में भी मुस्कुराना नहीं भूलेंगे, विपत्ति में भी आप मुस्कुराएंगे, ये पक्का है। मौनी बाबा से जुड़ने के बाद या वीर चेतन हनुमान जी से जुड़ने के बाद या बागेश्वर बालाजी से जुड़ने के बाद ये नहीं है कि संकट नहीं आएंगे, और ज्यादा आएंगे, लेकिन संकटों से लड़ने की क्षमता भी आएगी। बागेश्वर बालाजी आपकी जिंदगी में ऐसी रोशनी भरेंगे, ऐसा प्रकाश भरेंगे, ऐसी ऊर्जा भरेंगे, स्वभाव आपके जीवन में प्रसन्नता आएंगे। 1 बजे रात तक जो जो यहाँ बैठे वीर चेतन हनुमान जी के चरणों में और बागेश्वर बालाजी के चरणों में यही प्रार्थना है, जाओ सबका भला। बहुत लोग पर्चा के चक्कर में भी बैठे होंगे, जो मिला है वो कोई छीन नहीं सकता, जो भाग में है वो कोई छुड़ा नहीं सकता, और जो नहीं है उसके लिए तुम करोड़ों उपाय कर लो, प्राप्त हो नहीं सकते। फिर व्यर्थ की परवाह क्यों, फिर बेफिजूली की ये मेहनत क्यों, फिर व्यर्थ की तैयारी क्यों। दादा गुरु कहते थे, एक साधु रास्ते में लेते थे पूज गड़बड़ महाराज, उस जमाने का एक राजा जिसका नाम चंदूला। राजा ऊंचा था, नाम था उसका चंगीलाल। उस जमाने का राजा उस रास्ते से निकला जिस रास्ते में महात्मा, बीच रास्ते में रास्ता, साधुओं का बिस्तर क्या होता है, साधुओं की बिस्तर जमीन होती है, तकिया हाथ का होता है, साधु आसन वासन और शासन ये साथ लेकर चलता है। महात्मा ने अपना हाथ ऐसे रखा, ठंडी का दिन था, बीच रास्ते में महात्मा लेट गए, मौज की नींद लेने लगे। राजा की सवारी आती है, राजा के मंत्री बड़े बड़े गुड़क लोग आते हैं, वो कहते हैं, अरे ए बाबा उठ, पता नहीं तुझे राजा आ रहे। उस जमाने में वो राजा सम्राट बन चुका, सम्राट आ रहे, सम्राट। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, आंख थोड़ी खोली फिर बंद की, बंद करके झूम करके साधु बोला, सुनो जाके तुम अभी अपने राजा से कह देना कि दुनिया का महासंसाय अभी आराम फरमा रहा है, इंतजार करे। मंत्री बड़ा चौंका कि ये पागल आदमी, कपड़े ढंग के नहीं, अपने आप को संसाय कहते हुए इसे शर्म नहीं आ रही। मंत्री ने डांटा, हे बाबा उठ, साधु की तो आंख ही बड़ी तेज है, साधु ने बड़े बड़े नेत्र, लाल लाल नेत्र निकाले,
सुनाई नहीं दिया, जाके राजा के कहो इंतजार करे, अभी दुनिया का महाशहंशाह इस रस्ते में आराम फरमा रहा है। तब तक राजा शोरगुल सुना तो राजा ने मंत्री को आवाज लगाई, भाई क्या बात है, पालकी क्यों रुकी है? किसी ने कहा कि कोई पागल लेटा है। तो मंत्री गए, बोले पागल नहीं है, अपने आप को वो शहंशाह कह रहा है। इस दौरान आचार्य श्री का अभिवादन करने एक नन्हा बालक स्टेज पर चढ़ा और उसने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। आचार्य श्री ने बालक से खुद का नाम पूछा तथा स्वयं का भी। तब बालक ने आचार्य श्री का परिचय देते हुए कहा कि आप बालाजी सरकार हैं। यह सुनते ही जनता जोर जोर से बागेश्वर धाम के जयकारे लगाने लगी। आयोजन में बड़ी संख्या में आम भक्तजन अपनी अर्जी लेकर भी आए थे, जिस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अभी समय का अभाव है, किंतु आप जो जो अपनी अर्जी लेकर आए हैं उन्हें उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस दौरान संत मौनी बाबा मंडल की ओर से भाजपा वार्ड 18 के नेता विजय विज्जू परमार की अगुवाई में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने प्रवचनों के माध्यम से हिंदू धर्म की पताका को गौरवान्वित करने के लिए साहस के प्रतीक के रूप में बजरंगबली की गदा भेंट की गई। इस दौरान परमार ने मीडिया से चर्चा में कहा कि वार्ड क्रमांक 18, 19, 20 में बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग के लोग रहते हैं और अधिकांश लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, इसलिए क्षेत्र के लोगों की ओर से विधायक दादा दयालु रमेश मेंदोला से निवेदन किया गया था कि रात्रि के समय सभी लोगों को महाराष्ट्र के प्रवचन में एवं आशीर्वाद का लाभ मिले, जिस पर दादा दयालु रमेश मेंदोला एवं बागेश्वर बालाजी धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सहमति मिलते ही यह आयोजन रात्रि में किया गया। इस अवसर पर विधायक रमेश मेंदोला, भाजपा नेता गोलू शुक्ला, विजय बिज्जू परमार, वार्ड 18 की भाजपा नेत्री सोनाली परमार एवं आईपीएस यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। दरबार भोपाल में लगना है तो भोपाल में दरबार 2 दिन का 23 और 24 जून को लगेगा, वहां पहुंच जाना। कथा किन किन ने नहीं सुनी, हाथ उठाओ। नहीं गए कलम हो न कटाहरो, कब जाओगे? कल विराम दिवस है, परसों मत बोल दे। कलकत्ता का विराम है, कल कौन कौन आएगा? कल एक दो मिनट के लिए सुन जाना, बग जाना। कल की कथा विराम है, कलकत्ता सुन लेना, सब मौज से रहो, हनुमान जी के चरणों से। हाँ प्लीज कम हियर माय डियर, थैंक यू। व्हाट सुन, क्या नाम है आपका? फोटो तो खींचो, ऐसे इमेज की ऐसे भी खींचो। उधर देखो ना, उधर देखो, बहुत रसिया होगा जमीन, स्टाइल देखो। क्या नाम है आपका हनुमान जी? कहाँ क्यों? आप हमें जानते हैं कौन है? जय जय। हमारा नाम है डीओजी डॉग। जानते हो हमारा नाम क्या है? क्या नाम? डीओजी डॉग। ये हमारा नाम है, लेकिन बहुत अच्छे लगे, तुम्हारी तबीयत हमेशा ठीक रहे, नजर न तुम्हें काउ की लगी। सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल जमनो। आप सब लोग चरणों में बारंबार दंडवत। पंडित श्री रमेश मेंदोला जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके माध्यम से हमें आशीर्वाद। लाल की परम पूज्य बागेश्वर सरकार की, बागेश्वर धाम की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। दादा गुरु जी, आज ये जो मौनी बाबा आश्रम में आप पधारे हैं, आप थोड़ा सा बताएं आप कहाँ से आते हैं और आज यहाँ पर क्या लग रहा है इंदौर में मौनी बाबा आश्रम में आप पधारे हैं? बागेश्वर धाम सिद्धपीठ पर दास सेवा करता है, छत्रपुर बुंदेलखंड के वक्ष स्थल में एक धाम है, बुंदेलखंड के राजा जिन्हें कहा जाता है बागेश्वर धाम बालाजी महाराज का, वहाँ यह दास परम्परा अंतर्गत सेवा दावा। मौनी बाबा के बारे में जो
अनुभव हुआ इस स्थान पर आकर, स्थल पर आकर। अद्भुत महापुरुष रहे, अपने समय के बड़े तपस्वी सिद्ध महापुरुष रहे। निश्चित रूप से ऐसे ही महापुरुषों से यह पृथ्वी टिकी है और सनातन धर्म का उत्थान हुआ है। 7 दिनों तक आपने भागवत कथा का लोगों को श्रवण कराया है, क्या कहना चाहेंगे इंदौर की जनता को, किस तरह से आप अपना आशीर्वाद? 9 दिन तक रामकथा की है, यही कहना चाहेंगे कि यहाँ लेने वाले, भगवत कथा को श्रवण करने वाले, रस पीने वाले बहुत हैं। हमारी बुद्धि यही कहती है कि शिवत्व नगरी है, यहाँ शिव तत्व विराजमान है, बहुत आनंद। आज हजारों की संख्या में भक्ति है मुनि बाबा आश्रम में, रात को 1 बजे भी आपका इंतजार करके आपके आपको सुनने के लिए आतुर है, क्या कहना चाहेंगे? ये बागेश्वर बालाजी के प्रति प्यार, ये महिमा बागेश्वर बालाजी की, ये संतों का प्रश्न। आज बागेश्वर धाम के जो अधिष्ठाता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, मुनि बाबा आश्रम में पधारे थे, क्या क्या लगता है रात को 1 बजे तक जनता उनका इंतजार करती रही और उन्होंने बहुत अच्छे प्रवचन दिए, क्या कहना चाहेंगे? ये हनुमान जी की विशेष अनुकंपा है, क्योंकि हनुमान जी का ही स्थान है, मुनि बाबा की तपोस्थली और यहाँ वीर चेतन हनुमान जी का स्थान है। और विधायक श्री रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में हमने वार्ड क्रमांक 18, 19, 20 सभी लोगों ने दादा से निवेदन कराया था कि दादा हमारे यहाँ के लोग, चूँकि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, श्रमिक वर्ग है, वो कहीं ना कहीं कथा में जा नहीं पा रहे, तो आप उनका आशीर्वाद दिलाने के लिए ऐसी कृपा करें कि वो कम से कम मुनि बाबा आश्रम आ जाए और हमको दर्शन लाभ और आशीर्वाद दे सके। उसी के उपलक्ष्य में आज विधायक श्री रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में मुनि बाबा आश्रम पर गुरु जी आए और सबको प्रवचन देकर शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। लगातार 7 दिनों से वो यहाँ पर है, क्या लगता है किस तरह से इंदौर की जनता का प्यार और इसने उन्हें मिल रहा और बड़ी संख्या में लोग उनसे पहली बार आने के बाद में इतना समर्थन? हनुमान जी की विशेष अनुकंपा उन पर है, बागेश्वर धाम हनुमान जी की विशेष कृपा उन पर है, सन्यासी बाबा जो उनके दादा गुरु है उनकी शुभ आशीर्वाद और कुछ सिद्धियां उनके पास जो है, उनके सिद्धियों के द्वारा ही वो लोगों का भला कर पा रहे हैं। और आज आप देखेंगे कि इतने लोगों का भला हुआ कि आज कई हजारों लाखों की तादाद में विधायक श्री रमेश मेंदोला जी के कनकेश्वरी पांडाल में कथा सुनने के लिए लोग वहाँ पर पधार रहे हैं। आज यहाँ पर क्या क्या आयोजन साथ में आज जन जन के लाडले विधायक रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में मुनि बाबा आश्रम पर हलवा प्रसाद और केले का प्रसाद वितरण किया गया और महाराज जी को गदा भेंट करी गई और उनका स्वागत सत्कार।